प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जेल जाएंगे। व्यापम घोटाला कोई मामूली घोटाला नहीं। ऐसे घोटालेबाज जेल नहीं गए तो लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं। पांच बार के कांग्रेस के सांसद प्रत्याशी वर्तमान गुढ़ क्षेत्र के कांग्रेस विधायक सुंदरलाल तिवारी ने व्यापम जैसे घोटालेबाजों को लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बताते हुए कांग्रेस की सरकार के प्रदेश में बनते ही इन्हें जेल का रास्ता दिखा दिया जाएगा। सुंदरलाल मानते हैं बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले अगर जेल नहीं भेजे गए तो यह लोकतंत्र का सबसे बड़ा मजाक होगा। मेरे खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट में षड्यंत्र किया है, तुम्हारे मुख्यमंत्री ने किया मेरे खिलाफ हाई कोर्ट में, मैं कह रहा हूं चले करे ना मुकदमा मेरे खिलाफ हाई कोर्ट में दायर करे अगर दम है तो। मैं कह रहा हूं मेरे पास रिकॉर्ड है, इस बात के सबूत है, नागेंद्र सिंह के फोन नंबर है मेरे पास, अदालत में रिकॉर्ड में प्रेस कॉन्फ्रेंस खुलासा कर चुके हैं। मुख्यमंत्री को भी बोल रहा हूँ मेरे खिलाफ षड्यंत्र किए, चलाए मुकदमा दम हो तो हम बता दे कौन है वो और कौन हमें मुकदमा चलाया, घर सब किया, क्या बात करते हैं यार। लेकिन आज भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री भ्रष्टतम मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, ये मैं कह रहा हूं कांग्रेस सरकार है तो सब जेल जाएंगे पक्का। अभी बोल के विधानसभा में सबको जेल जाएंगे, सबको हथकड़ी लगेगी। अब मुख्यमंत्री सदन में बैठे थे तब मैंने कहा है कि आप जेल जाओगे, कांग्रेस की सरकार आ जाएगी जेल जाओगे आप, मैंने कहा है।